Online classes. In our previous video session, we have completed the two parts of future tense, that was future indefinite and future continuous. In today's video session, we will learn about future perfect and future perfect continuous. Okay, so as the title also defines us, that it talks about the future time and the perfection of the work. Okay, जैसे कि हमने पहले introduction में पढ़ा that tense what indicates, it is a combination of time and action. किसका combination होता है tense? हमें दो चीज़ें बताता है, एक तो वक्त बताता है और एक action जो है उसके बारे में बताता है कि वो शुरू हुआ, चल रहा है, ख़त्म हो गया या फिर चलेगा. So future perfect किसकी बात करेगा? Future में होने वाले काम जो कि क्या हो जाएंगे, 100% surety के साथ में complete हो जाएंगे. So it indicates an action, ये एक ऐसे action को indicate करता है will be completed, जो कि हो जाएगा पूरा बिफोर सम अदर पॉइंट इन द फ्यूचर. यानी कि जिस फ्यूचर टाइम की आप बात करेंगे उससे पहले क्या होगा, आपका जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा. तो उसे आप कौन से टेंस में काउंट करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में. सिचुएशन भी यही है कि कैसा सिचुएशन होना चाहिए कि हम जो है एक ऐसे एक्शन की बात करें जो कि आने वाले कल में पूरी तरीके से पूरा हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, आई शैल हैव ईटन द फूड, मैं जो हूँ भोजन कर चुकी होंगी. चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये तो हमने किस में पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट में. फिर चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये हमने किस में पढ़ा? पास में, क्योंकि वो काम पास में हो चुका था. ठीक है, और चुका होगा. ठीक है, तो वो काम किस में होगा? फ्यूचर परफेक्ट में. शी विल हैव प्लेड क्रिकेट, वो क्या करेगी? क्रिकेट खेलेगी. ठीक है, तो स्ट्रक्चर देखते हैं, वेरी सिंपल इट इज. सब्जेक्ट और फ्यूचर की जो क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब, वो विल शैल, वी ऑल नो कि विल शैल जो है वही आता है फ्यूचर में. उसके बाद में अगर मैं बात करूं इसकी परफेक्ट की, तो विल शैल तो आ गया फ्यूचर में. अब परफेक्ट को शो करने के लिए हमने यूज किया है हैव का. ठीक है, हर एक परफेक्ट टेंस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म. और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीशन ऑफ द स्ट्रक्चर और द सेंटेंस इज कंप्लीट. ये हो गया असर्टिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस. अब मैं अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करूँ, तो ये क्या हो गया है? सब्जेक्ट, देन विल और शैल, देन हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप नॉट लगाइए. उसके बाद में आपका जो प्रपोर्शन है आगे का वो लिखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म. और ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है, देखिए विल और शैल का यूज जो है वो हम फ्यूचर इंडेफिनाइट में पहले ही समझ चुके हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आगे भी सब्जेक्ट के साथ में यूज होगा. कंडीशंस वही रहेंगी, है हमेशा लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल लगेगी, और नॉट जो है वो नेगेटिव को शो करने के लिए. फिर अगर मैं बात करूँ इंटरोगेटिव की, ठीक है, तो इंटरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है उसे हम पहले पुच करते हैं, देन हमारा आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में आ जाएगा हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, नेगेटिव की बात करूं, इंटरोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन मार्क, तो विल शैल, देन सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप नॉट लगाइए. तो यहां पर सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगेगा, वही है वापस से, वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, वही ऑब्जेक्ट एंड द ब्यूटिफुल क्वेश्चन मार्क इन द एंड. ओके, डब्ल्यू एच वर्ड जैसे कि हमने पहले फॉर्म किया है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हैव, आफ्टर दैट वर्ब्स थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट एंड द क्वेश्चन मार्क. ठीक है, ये हमारे असर्टिव सेंटेंस थे. इसी को हमने क्या करना है, इंटरोगेटिव में चेंज करना है. तो शैल आई हैव, ठीक है, शैल आई हैव ईटन द फूड, क्या मैं भोजन कर चुकी होंगी. ठीक है, शैल आई हैव, शैल आई नॉट हैव ईटन द फूड, क्या मैं भोजन नहीं कर चुकी होंगी. तो इस तरीके से स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली अभी तक हम जो हैं सीख चुके हैं ईजी वे में कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्स को फॉलो करके हमारे जो सेंटेंस हैं उनको हमें जिस भी
टेंस में एक्सप्रेस करना होता है उस टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, फिर हमारा जो नेक्स्ट टेंस आता है उसकी बात करें तो दैट इज फ्यूचर परफेक्ट हो गया। अब कौन बच गया? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस मतलब जो हमें प्रोग्रेस या जो लगातार होना किसी चीज़ का दिखाएगा वो। तो फ्यूचर टाइम की बात करनी है उसमें परफेक्शन भी होना चाहिए और कंटिन्यूटी भी होनी चाहिए। ऐसे टेंस को जो है या ऐसी चीज़ों को जब हमें एक्सप्रेस करना हो तो हम उसे किस में काउंट करेंगे? फ्यूचर में। अब देखिए, काम का हमें प्रेजेंट में शुरू हो काम, पास्ट में शुरू हो या फिर फ्यूचर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा जो मेन कंसर्न है वो है मेरा फ्यूचर टाइम, जिसमें मुझे वर्क की कंटिन्यूटी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको क्या करती हूँ, पहले स्ट्रक्चर देखते हैं इसके, सो इट इज गोइंग टू बी मोर इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। इसमें पहले लगेगा सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद में विषय जो कि हमारी फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है। इसके यूजेस हम देख चुके हैं कि कहाँ पर हम विल का यूज़ करेंगे, कहाँ पर हम शैल का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हैव जो कि परफेक्ट का साइन है और बीन जो कि कंटिन्यूटी शो करता है, यानी कि बी की फॉर्म लग गई, फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर वही आईएनजी और फिर वही ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं जो हूँ एक सेंटेंस लिखती हूँ। I shall have been walking in this company since 2002। ठीक है, मैं इस कंपनी में कब से काम कर चुकी होंगी? सिंस 2002 से तो मैं काम कर रही हूँ और अभी तक स्टिल आई एम वर्किंग। यानी कि इसने किसकी बात करी है? 2002 पास्ट की बात करी है। नाउ 2021 इज इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो तब से लेकर वो इस कंपनी में काम कर रही है एंड स्टिल फ्यूचर में उसके प्लान है कि वो इसी कंपनी में वर्क कर रही होगी। ठीक है, और एक चीज और देखते हैं, एक सेंटेंस और देखते हैं जो कि फोर का। अगर मैं इसी चीज को कर दूं, फोर इयर्स, ठीक है, यहां पर मैंने फोर इयर्स प्लस टाइम रेफरेंस तो इसमें रहेगा ही, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या रहता है, हमेशा टाइम रेफरेंस दिया हुआ रहता है। तो आई शेल हैव बिन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर फोर ईयर्स, मैंने जब से काम शुरू किया है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन कंप्लीट हो जाएंगे चार साल मुझे इस कंपनी में काम करते हुए आने वाले समय में। ठीक है, यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया जाएगा और फिर आप कहेंगे कि इस कंपनी में काम करते हुए मुझे चार साल हो जाएंगे। स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें तो स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है। ठीक है, इन शॉर्ट करते हैं इसको फटाफट से। शैल के बाद में आप नॉट लगा दीजिए तो आपका क्या बन गया? नेगेटिव। इसी के साथ में विल शैल पहले लगाकर सब्जेक्ट बाद में लगाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा? देखिए, ये वाला जो है ये एज इट इज रहने वाला है। करूँ तो इंटरोगेटिव में क्या होगा? विल और शैल जो है वो पहले पुट हो जाएंगे, आफ्टर दैट सब्जेक्ट पुट होगा, फिर वही हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, ऑब्जेक्ट एंड टाइम रेफरेंस। और अगर उसी में हम नॉट की बात करेंगे तो देखिए, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही आपको नॉट लगाना है और उसी के अकॉर्डिंगली सेंटेंस बनेगा। डब्ल्यू एच वर्ड का भी वही तरीका रहेगा, क्योंकि हम 11 टेंसेस पहले भी कर चुके हैं। सो फॉर्मेशन जो है वो आप खुद इजीली कर सकते हैं और आई विल सेंड यू द पीडीएफ ऑल्सो। एक और जो है एग्जाम्पल देखते हैं इसी टेंस का कि व्हेन आई विल टर्न 24, जब मैं 24 साल की हो जाऊंगी, आई विल हैव बीन स्टडिंग इन दिस यूनिवर्सिटी फॉर 5 ईयर्स। तो इस यूनिवर्सिटी में मुझे पढ़ते हुए कितना टाइम हो जाएगा? 5 साल। यानी कि जब मुझे इस कंपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए 5 साल हो जाएंगे, तब मैं कितने साल की हो जाऊंगी? 24 ईयर की हो जाऊंगी। यानी कि ये इंटरकनेक्टेड है इससे और ये इंटरकनेक्टेड है इससे। जब वो 24 की होगी तो उसे इस यूनिवर्सिटी में 5 साल हो जाएंगे, या वो कंप्लीट कर चुकी होगी 5 साल, और जब वो इस यूनिवर्सिटी में 5 साल कंप्लीट कर चुकी होगी तब वो
कितने की टर्न हो जाएगी, 24 की। तो ये थे हमारे फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसकी जो सिचुएशन है वो सेम रहेंगी। टाइम रेफरेंस में जो है सिंस और फोर का यूज़ हम पहले भी बहुत बारी कर चुके हैं, सो इन डिटेलिंग मैंने नहीं बताया है। एक जो है इसमें न्यू ऐड हुआ है वो है टाइम रेफरेंस में बाय। बाय का मतलब होता है तक, ठीक है, तक यानी बाय मंडे, इट मीन्स ये क्या हो गया सोमवार तक। बाय जो है एज अ प्रिपोजिशन हमें पता है कि कहाँ पर हमें लगाना है और हम इसको इजीली टाइम रेफरेंस में यूज कर सकते हैं। सो दीज वर द टेंसेस। इन अवर नेक्स्ट वीडियो सेशंस वी विल डू द एक्सरसाइजेस दैट इज गिवन इन योर ग्रामर बुक। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।